wire having n number of turns that is tightly welded on a cylindrical shape insulated material. For example, this is the cylindrical insulated material in which solenoid is a wire which is tightly wound on the cylindrical shape wire. It is known as solenoid. Solenoid having large length as compared to its radius. So if we consider it, its length is more. Suppose L is the length of this solenoid. If we compare this length with radius of the wire or radius of this circular coil, the length is greater. The length is always greater. So solenoid is a device for conductor or wire having n number of turns which is tightly wound on an insulated material where the length of the solenoid is greater than the radius. Key point important, the length measures authority as compared to radius is known as solenoid. In simple word, we can say that after applying current, it behaves like a magnet. That type of material or that type of wire is known as solenoid. After applying of electricity, it behaves like a magnet. So, ये हो गया solenoid. ये length हो गया, ये I हम current flow कर रहे इसमें. ये current flow करने की वजह से क्या होता है यहाँ पे? Magnetic field produce होती है. ये battery की connected है. यहाँ पे plug की है. Switch on और off करने के लिए circuit. तो जैसे हम current apply कर रहे, ये magnet की तरह यहाँ पे north pole आया है, यहाँ पे south pole. North and south. So ये behave like a magnet after applying of electricity. So यहाँ पे ये magnet की तरह behave करता है. जैसे हम current यहाँ पे apply करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? Magnetic field produce होता है. जैसे हम यहाँ पे करंट अप्लाई करें, जैसे हम करंट आए यहाँ पे अप्लाई करें, तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड पड़ी होती है. ऑलरेडी हमारे मालूम है, कभी भी अगर हम कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस लूप फॉर्म कर देते हैं, लूप फॉर्म करते रहते हैं बिकॉज ऑफ करंट. हाँ, करंट की वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस लूप फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. और ये मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिया जाता है. हाँ, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है ये सोलेनोइड का. ये आम कंडक्टर की तरह नहीं रहता. जैसे हम करंट अप्लाई करते हैं, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. हाँ, तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना सोलेनोइड के. एक तो इसकी लेंथ इसके रेडियस से ज्यादा रहती है. वायर में जो रेडियस रहता है, जो सर्कुलर लूप का रेडियस रहता है, उसके रेडियस से लेंथ क्या है, ज्यादा रहती है. और एक आफ्टर अप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिहेव लाइक ए मैग्नेट. मैग्नेट की तरह ये एक्ट करता है. सो ये हो गया सोलेनोइड. नेक्स्ट, इफ ड्राइव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट क्या है? सोलेनोइड. Magnetic field due to current carrying current. So this question is important for 3 months. So जैसे हम previous diagram में देखें, magnetic current pass हो रहा wire से, उसके अराउंड में magnetic field.
प्रोड्यूसेस हो रहे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड के लिए, ये सोलेनोइड का अपर और लोअर एंड हां, तो यहां पे हम ब्लॉक डायग्राम ड्रा कर रहे हैं सोलेनोइड का। तो जैसे हम ऊपर देखें, ऊपर एंड में क्या था, जो वायर था हमारा सोलेनोइड का, ये सिलेंडर था, यहां पे वायर इस तरह था। ये हमारा सोलेनोइड का डायग्राम था विद रेस्पेक्ट टू बैटरी। तो ये दो एंड है, ये एक एंड है, अपर एंड है, ये लोअर एंड है। तो अपर एंड में मैग्नेटिक फील्ड आउट जाए आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए क्या करते हैं, डॉट लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जब भी बाहर आती है एक कंडक्टर से, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। फॉर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड वी हैव टू डिनोट बाय डॉट। और लोअर एंड में क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रही है, इसलिए हम क्रॉस से इसको डिनोट करते हैं, क्रॉस से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे तो करंट पास होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में फॉर्म होती है, बट सेंटर में क्या होती है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा फॉर्म होती है, ऐसा ये आगे जाके क्या करती है, कंटिन्यूस लूप क्रिएट करती है। जैसा हम टेस्ट में पढ़े मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, एक लूप के फॉर्म में। हम एक कंडक्टर से जब मैग्नेटिक फील्ड निकलती है तो सेंटर पे तो स्ट्रेट रहती है, बट उसके अपर एंड पे क्या होती है, वो क्रॉस होती है, और लोअर एंड पे इस तरह से क्रॉस होती है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये भी इसका नॉर्थ एंड हो गया, ये साउथ, ये अपर रीजन हो गया, ये लोअर रीजन हो गया। अपर रीजन में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आउट जा रही है, लोअर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इन जा रही है, जैसा कि ये डायग्राम है। तो ये कंटिन्यूस लूप फॉर्म करता है, मैग्नेटिक लूप और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही सेंटर से, तो जब भी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, इसके अराउंड में जाके ये अगेन लूप क्रिएट करता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। ये यहाँ इस तरह से रहता, ये स्ट्रेट लाइन रहता, ये भी स्ट्रेट लाइन। तो ये लूप फॉर्म कर, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया सोलेनोइड, और ये इनर और आउटर लेयर। हां, तो सपोज करो ये सेंटर है, सोलेनोइड का सेंटर है पी, और यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू, पी है ये सेंटर है समझो सोलेनोइड का पी। तो अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है सोलेनोइड में वो फाइंड आउट करना है। सो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी हम देखे एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ या फिर बायो सावर्ट्स लॉ। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, ये तो कंडक्टर नहीं है, सोलेनोइड है, तो ये क्लोज लूप फॉर्म करता है हमेशा। तो यहाँ पे हम बायो सावर्ट्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बायो सावर्ट्स लॉ स्ट्रेट कंडक्टर्स के लिए अप्लाई होता है, क्लोज लूप के लिए एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई होता है। तो यहाँ पे तो क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास क्लोज लूप नहीं है, तो यहाँ पे एक क्लोज लूप ड्रॉ करो, पॉइंट बी से क्लोज लूप ड्रॉ करो, रेक्टेंगल फॉर्म में क्लोज लूप में ड्रॉ करो। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी सी डी,
वो आ गया। इंटेंसिटी एम्पीयर एंड लूप। नाउ वी हैव टू कंसीडर पर यूनिट लेंथ। हां सो नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाय एन। नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एन नंबर ऑफ टर्म्स है, बट हम वो एन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं ले रहे, बीच में ये रीजन ले रहे रेक्टेंगुलर रीजन। सो स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय एन। कंसीडर सोलेनोइड कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय एन। स्मॉल एन की वैल्यू क्या है? कैपिटल एन बाय एन, वेयर एन इज अ यूनिट पर लेंथ पर यूनिट लेंथ। सो ये हो गया। नेक्स्ट वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप B dot dl according to Ampere circuit law for a closed loop ABCD. So ABCD पे हम apply करते हैं, so which is equal to mu naught times होगा, mu naught times the current, mu naught times the current होता है, but यहाँ पे individual fields है, closed loop हम AB को apply करना, CD और DC और DA को हम apply करें। वन बाय वन अप्लाई करना। सो अप्लाई करने से पहले ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे लेंथ है, इसकी लेंथ सपोज करो स्मॉल एल है या फिर कैपिटल एल है। ये रीजन क्या है? एबी की लेंथ क्या है? एबी इज इक्वल टू कैपिटल एल, एबी इज इक्वल टू कैपिटल एल। सो ये टोटल लूप इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल एजेस, इंडिविजुअल साइड्स होगा। सो ये एबीसीडी टोटल लूप इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल साइड्स, यानी एबी बीसी सीडी एंड डीए, इसका इंडिविजुअल साइड्स होता है। तो हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल एबी प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल एबी के बाद कौन सा लूप हमारे पास? बीसी। नेक्स्ट प्लस क्लोज इंटरवल ऑफ सीए बी डॉट डीएल प्लस क्लोज इंटरवल ऑफ नेक्स्ट लास्ट कौन सा है? डीए। सो स्मॉल ले लें, ये पूरे स्मॉल है, डीए बी डॉट डीएल। जैसा कि हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, सपोज टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स होता है। सपोज थ्री मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, तो हम टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल एक रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट यानी एम्पीयरेंस लूप हम क्रिएट करें, जो कि ऑलरेडी हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म में लूप क्रिएट होता है, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एक रेक्टेंगुलर शेप लूप ले रहे हैं। तो वहां पे टोटल लूप इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल साइड हो जाता है। ये एक साइड सम हो गया, ये एक साइड और ये एक साइड सम हो गया। अब वन बाय वन इसकी वैल्यू ले लो, इसकी टेकडा इक्वेशन नंबर इक्वेशन वन ले लो, वन बाय वन इसकी वैल्यू कंसीडर करो। नाउ और फर्स्ट क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल एबी व्हिच इज इक्वल टू बी डॉट डीएल एबी। तो हमारे को ऑलरेडी फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल मीन्स बी डीएल बीडीएल कॉस थीटा, बीडीएल कॉस थीटा। तो ये थीटा एंगल इसके बीच में लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर हम ए बी देखें लेंथ एलिमेंट इसके अंदर ही आता, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे से करंट भी यहीं से पास होगा, तो इसमें लेंथ एलिमेंट आता, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आता है? जीरो डिग्री आता। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री एंड कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन। नाउ देयरफॉर क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इनटू वन, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इनटू वन, और वी कैन से दैट बी डीएल इंटीग्रल ऑफ ओवर ए बी
इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल एबी के बाद क्या है बीसी विच इज इक्वल टू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा ये बीसी रीजन तो बीसी रीजन क्या हमारा डायग्राम में इधर बीसी रीजन तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड बी हो गई ये रीजन हो गया हा? तो दोनों के बीच में अगर हम एंगल क्रिएट करें तो यहाँ पे एक एंगल आता है 90 डिग्री तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता जीरो तो ये टोटल लेंथ क्या हो गई इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू जीरो ये सेकंड रीजन क्या हो गया हमारा वैल्यू जीरो हो गया टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3 नाउ फोर्थ रीजन इंटीग्रेशन ऑफ सीडी बी डॉट डीएल व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीडी बी डीएल कॉस थीटा बी डीएल कॉस थीटा तो थर्ड हमारा सीडी यहां पे है तो थर्ड सीडी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के आउटसाइड में है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हमारे स्ट्रांग क्या ये रीजन है यहां पे भी है मोड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट यहां पे क्या है वीक रहती है मैग्नेटिक फील्ड जस्ट हम स्ट्रांग कंसीडर करें इसके लिए क्या होगा जीरो B is equal to 0 अगर ये फील्ड लाइंस देखें तो ये फील्ड लाइंस के बाहर आई है रीजन तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया B dot dl तो इक्वेशन नंबर 3 नाउ वी हैव टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट इंटीग्रेशन दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ BC आफ्टर BC we are having CD B dot DL is equal to integration of closed integral of CD B DL cos theta B DL cos theta so यहाँ पे हम CD का apply कर रहे हैं BC के बाद CD तो CD में क्या होती है magnetic field zero क्यों zero है क्योंकि ये magnetic field lines के outside में तो therefore closed integral of CD B dot DL is equal to 0 take it as equation number so A B 0 next integration of closed integral of B dot DL CD by DA which is equal to integration of DA B DL cos theta तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा जीरो होता है दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL DA इज इक्वल टू जीरो इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 5 टेक इट एज इक्वेशन नंबर 5 नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज द सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो ये इक्वेशंस क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डॉट डी एल तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल फर्स्ट रिजल्ट प्लस सेकेंड रिजल्ट क्या है हमारा सेकेंड रिजल्ट आया यहाँ पे जीरो प्लस थर्ड रिजल्ट जीरो फोर जीरो प्लस सिक्स जीरो सो आर टर्म्स आर जीरो सो नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल बी कॉन्स्टेंट है डी एल क्या ले लिया हम आउटसाइड ले लें इंटीग्रेशन में ले लिया तो डी एल का डी एल मीन्स स्मॉल रीजन फॉर पर्टिकुलर पॉइंट सो ये पॉइंट में एक स्मॉल रीजन है इसके लिए इंटीग्रेशन क्या लेते हैं हम इसके लिए इंटीग्रेशन क्या था हमारा ए बी था ए बी रीजन का सो ए बी रीजन में कौन सा भी पॉइंट हो सकता है
ये स्मॉल लेंथ हो गई, टोटल लेंथ की आती है इंटीग्रेट करने के बाद टोटल लेंथ मिल गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के आंसर होता है, ये हो गया बी ए। सो इंटीग्रेशन ऑफ ओवर ए बी सी डी बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल। सो दे गिव दैट इक्वेशन नंबर 6। सो इक्वेशन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल सरफेस क्या हमारा ए बी सी डी, एम्पियर्स सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए क्लोज इंटीग्रल होगा ए बी सी डी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू यू नॉट टाइम्स द करंट, यू नॉट टाइम्स द करंट वेयर आई इज द टोटल करंट। बट ये हो गया पर्टिकुलर टर्म्स के लिए, एक टर्म के लिए ये करंट हो गया है, एम्पियर सर्किट लॉ हम एक टर्म के लिए स्टडी कर रहे थे, बट एन नंबर ऑफ टर्म्स होना है तो यहाँ पे एन मल्टीप्लाई, एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एन क्या होना मल्टीप्लाई। सो विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू यू नॉट आई, यू नॉट आई एन की वैल्यू क्या है एन एन एल, एन की वैल्यू क्या है एन एल, और इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 6 से सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 7 ले लो, कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7 दोनों कंपेयर करो, एलएचएस दोनों का सेम है तो ये ऑटोमेटिकली आरएचएस पे आ जाएगा, दोनों का एलएचएस सेम है दोनों कंपेयर करो ये इधर आ जाता है ये इधर आ जाता है। यहां हम कैपिटल एन की वैल्यू पुट करें बाय यूजिंग दिस रिलेशन लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो यहां पे L and L get cancelled, therefore magnetic field for solenoid, current carrying solenoid B is equal to mu naught